गाइस वेलकम टू माय चैनल सोमे टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है आपके पर्सन की, क्या एनर्जी है, चलिए टैरो कार्ड से देखती हूँ। तो सबसे पहले लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्लीज़ कॉल ना करें, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप अपॉइंटमेंट व्हाट्सअप पर लीजिए। मैंने जो नंबर दिया है वो व्हाट्सअप नंबर सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए उस पर मैसेज करें, और कृपया वही लोग मैसेज करें जिनको रीडिंग लेनी है, ठीक है। क्योंकि पर्सनल जो रीडिंग है वो मेरी फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। क्योंकि आप अपना पर्सनल टैरो कार्ड दिखवाओगे तो फिर उसकी फीस होगी, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री है, आप जितनी बार मर्जी देखें। सो प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही आप अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि कॉल करने से प्रॉब्लम्स होती हैं और कॉल आपका रिसीव भी नहीं होगा, ठीक है। सो क्योंकि मैं रीडिंग में बिजी होती हूँ तो कॉल रिसीव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान रीडिंग भी करे, अपॉइंटमेंट भी ले और कॉल भी हर किसी का करे। तो जिसका अपॉइंटमेंट होता है सिर्फ उसी का ही कॉल रिसीव होगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। सो ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है डियर गाइस, और टाइमलेस में इसको बना रही हूँ, और देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। इसको कोई भी देख सकता है, आप मेल है, फीमेल है, आप गर्ल है, बॉय है, कोई भी है आप देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है लव रिलेशनशिप पर है, मैरिड लाइफ पर है, और आपका जो भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ आप इसको देख सकते हैं, मतलब कोई भी लोग देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम कि हम देख सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। साइन में बताने वाले हूँ, इस रीडिंग में आपको साइन बता दूंगी कि क्या साइन है, एंड लेटर्स बता दूंगी आपके पर्सन के नेम की लेटर्स, लास्ट लेटर्स एंड फर्स्ट लेटर, मिड लेटर, जो भी होगा मेरे को दिखाई देगा मैं वो बताऊंगी, एंड नंबर्स भी मैं आपको बता दूंगी। सो एनर्जीज क्या है देख लेते हैं। देखो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जैसे कि आपके जो पर्सन है ना उदास से बहुत बैठे हुए हैं, और एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पर्सन भी बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में, और ये जो एनर्जीज आ रही है बहुत गहराई से सोचने वाली आ रही है, जैसे कि मतलब किसी चीज़ के बारे में मे बी शायद पहले नहीं सोचा आपके पर्सन ने, लेकिन अब जब वक्त आया और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब उनको उनको समझ आया कि ये हकीकत है जिसको मैं समझ रहा था कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी इम्पोर्टेंस, अंडरस्टैंड, आपकी इम्पोर्टेंस आपकी जो पर्सन है उनको अभी अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है डियर गाइस वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मेरे को दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो ये सिचुएशन हो सकती है कि प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत कुछ छुपाया गया है आपसे, बहुत कुछ छुपाया गया है, मतलब बता सकते थे वो सच्चाई आपको, और लेकिन उन्होंने और आपने पूछा भी होगा, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने पूछा भी होगा मोस्टली कई बार, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग्स आई होगी कि ये कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो इनके मन में चल रहा है, ऐसी फीलिंग्स आपको कई बार आई होगी। लेकिन आपकी जो पर्सन है उनके एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि यस भाई मैं तो छुपाऊंगा, मैं तो सच बात बताऊंगा ही नहीं, या सच बात नहीं बताऊंगी, कोई भी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो झूठ तो उन्होंने कई बार बोले हैं थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आपको सच्चाई ना पता चल पाए इसलिए, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, और रिश्ते में एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो गई इसी वजह से, मे बी थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आपकी डे बाय डे मतलब मेरे को दिखाई दे रही है कि साइलेंस हो चुकी है, एंड वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी। तो कहीं ना कहीं इन बातों के पीछे या कहीं ना कहीं सच्चाई छुपाना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर करना है ना, मतलब क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि देखो पहले उन्होंने बहुत केयर की आपकी, ठीक है, और बहुत प्यार भी आपको दिया, ठीक है, और
प्यार आपकी तरफ से भी था, केयर आपकी तरफ से भी थी, मतलब दोनों ही तरफ से जो रिलेशन था वो एक बैलेंस एनर्जीज का रिलेशन था कि भाई आपका और उनका जो रिलेशन, जो एनर्जीज एक दूसरे के लिए थी वो एक जैसी थी, फीलिंग्स लव वाली थी। आपके लिए लव, उनके लिए लव था, उनको आपके लिए लव था, केयर थी एक दूसरे की। बट सडनली कुछ चेंजेस मैं देख रही हूँ और वो चेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस देख रही हूँ। मतलब जैसे कि इग्नोर करना, बातों का आंसर छुपा लेना या फिर कुछ और बता देना, अवॉइड करना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, कॉल रिसीव नहीं करना। कई बार आप कॉल किया है, आपने मैसेज किया, बट वहाँ से नो आंसर, नो आंसर, नो रिप्लाई। उससे क्या हो गया, आपकी फीलिंग्स गाइस सैड हो गई, आपके मन में डाउट आया। कई बार ऐसा हुआ कि आपको डाउट भी आया और आपको लगा भी कि कुछ तो है, बट जब आपके पर्सन सामने आए, इन फ्रंट ऑफ यू आईज के, तब उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था या ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिजी था या बिजी थी। ठीक है, तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ये सब करते करते कई बार ऑन ऑफ भी हुआ, जो भी मैं देख रही हूँ ऑन ऑफ ही हुआ। एक बार ऑन ऑफ नहीं हुआ, कई बार ऑन ऑफ हुआ, और कई बार ऐसा लगा कि अब जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देन थोड़े दिन बाद दोबारा से रिस्टार्ट। फिर लेकिन वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन अभी की जो एनर्जीज आ रही है, अभी की एनर्जीज मीन्स साइलेंस की एनर्जीज आ रही है, और ये एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है आपके रिश्ते में, और आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में दूरी आ गई। यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये जो दूरियाँ हैं मीन्स मतलब ज़्यादातर जो दूरियों की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि भाई थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से ही आप में दूरी आई है। दूसरी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो साइलेंस एनर्जीज है आपकी आज भी, और ये जो कार्ड्स की एनर्जीज है वो दूरियों को रिप्रेजेंट कर रही है कि दूरियाँ क्यों आई और अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो करंट फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर ये चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज फिर से चेंज हुई हैं, और जिसके लिए वो आपसे दूर हुए थे, जिसके परवाह करके वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि कहीं तो वो बिजी थे, राइट। और वो बिजनेस में भी यहाँ पर थर्ड पर्सन की आ रही थी। अब ये थर्ड पर्सन जो है वो फैमिली का अगर पर्सन था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट थी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में उस टाइम पर भी लव था। वो झूठ नहीं बोलना चाह रहे थे, वो आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहे थे, वो आपका मैसेज रिसीव करना चाह रहे थे, देन आपको कॉल रिसीव भी करना चाह रहे थे, करना भी आपको चाह रहे थे, बट वो थर्ड पर्सन की वजह से बाउंड हो गए थे एनर्जीज के हिसाब से, मुझे यही दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर जो फैमिली थी या फिर यहाँ पर जो फैमिली है वो नहीं चाहती है आप लोगों के बीच में रिलेशन। ठीक है, सो फैमिली ने बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन, ओवर कंट्रोल एंड बर्डन की एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी मींस फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, वो मिसगाइड उसने बहुत किया आपके ही पर्सन को, मतलब जो जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के कोई पुराने फ्रेंड्स, या फिर जिस जगह वो वर्क प्लेस हो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग ये हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का काम किया है, और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो गए आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, एंड उनको कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ, बट अभी अभी मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आप लोगों के बीच में अभी नो कांटेक्ट चल रहा होगा, ज़्यादातर लोगों के बीच में नो कांटेक्ट ही चल रहा होगा, मैं क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन देख रही हूँ। सो अभी नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, कि कुछ सोच रहे हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो इनको लगा है कि भाई मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पर जो एनर्जी जा रही है करंट फीलिंग्स की, ब्लॉक कम्युनिकेशन में आपके ये ब्लॉक एनर्जीज में क्या हो रहा है कि उनको, आपको वो मिस कर रहे हैं,
आपकी अच्छाइयों को मिस कर रहे हैं। आपने जो उनका साथ दिया ठीक है, या जो उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, एक भरोसा आपके पर्सन ने आपको तोड़ा का तोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका भरोसा आपके पर्सन ने तोड़ा है। ठीक है, अब तोड़ा है कि नहीं, कितनों का तोड़ा ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर है। सो उनको अब गिल्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई हमारे पर बहुत ज़्यादा फेथ करता है और उसका भरोसा अगर कोई तोड़ता है तो उसका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसने तो एक बार आपके पर भरोसा किया और उसने तोड़ दिया, बट उसने जो भरोसा किया था अब वो दोबारा कभी आपके पर भरोसा नहीं करेगा। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि मतलब आप आपकी जो फीलिंग्स आ रही है डियर गर्ल, वो यही आ रही है कि आप हार गए हो, आप परेशान हो रहे हो उनकी इस वजह से। आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, क्योंकि आपने शायद बहुत फेथ किया था इनके ऊपर कि ये फ्यूचर तक साथ जाएंगे, फ्यूचर तक इस प्यारे से रिश्ते को निभाएंगे, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और अभी साइलेंस एनर्जीज आ रही है। वो ये आ रही है कि आपके पर्सन की जो हिडन डेप्थ एनर्जीज आ रही है, वो यही आ रही है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। एंड कई बार उनको ये रियलाइज़ होता है अपनी गलती, उनको लगती है कि ऐसी सिचुएशन उनको क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, और आपने उनके ऊपर जो फेथ किया था उसका उनको पूरी तरीके से वो करना चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर, एंड आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो अभी मैं राशि बता देती हूँ फर्स्ट, कि आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं वो क्या क्या हैं। सो यहाँ पर राशि में पहले मेरे को कन्या राशि नज़र आ रही है, और आपके पर्सन की हो सकती है वर्गो यानी कि, एंड धनु राशि सजिटेरियस भी नज़र आ रही हैं, एंड जैमिनाई मिथुन राशि, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, टॉरस यानी कि वृषभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की, एंड कैप्रिकॉन मकर राशि नजर आ रही है मेरे को। कुंभ राशि मैंने आपको शायद बता दी थी, दोबारा से सुन लीजिएगा, एक्वेरियस नजर आ रहे हैं मेरे को दोबारा से, लिब्रा मेरे को नजर आ रहे हैं तुला राशि मीन्स, एंड एरीज मेष राशि स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि, राइट। सो ये राशियां मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, और ये राशियां मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की नजर आ रही है। सो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अभी आपके पर्सन की जो मेन एनर्जीज आ रही है, जो सिचुएशन हुई वो हुई, लेकिन मेन एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही कि देखो अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं फर्स्ट यहाँ पर, और सेकेंड चीज यहाँ पर ये आ रही कि बहुत ज्यादा मतलब उनको एक गिल्ट फील हो रहा है। दूसरी चीज आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, और सीरियस एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अभी दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ। हो सकता है कि आप लोग आज अलग अलग हो गए हो सकता है एनर्जीज, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आप अलग हो गए, बहुत दूरियां आ गई हों आपके बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग भर गई हो दूसरे के लिए, निकलना मुश्किल हो रही है क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है। लेकिन आपके पर्सन अब समझ चुके हैं फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को भी समझ चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को भी समझ चुके हैं, थर्ड पर्सन की फीलिंग्स को भी समझ चुके हैं उनके लिए क्या है। देखो जब इंसान किसी में अपना फीलिंग्स ढूंढता है, या फिर किसी के बारे में किसी को सोचता है, किसी से एक्सपेक्टेशन करता है, अगर वो इंसान एक्सपेक्टेशन ना उसकी पूरी करे तो कितनी ज़्यादा बैड फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है कि उसने आपसे रिश्ता डिस्टर्ब करके थर्ड पर्सन से एक्सपेक्टेशन किया कि भाई वो उसकी लाइफ में फ्यूचर, या फिर थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को फोर्स किया कि वो उसकी बातों को सुने। लेकिन लास्ट में मैं यहाँ पर यही चीज़ों को देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए,
उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं और वो भावनाएं वो कंट्रोल चाह कर भी नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि देखो नो कांटेक्ट जोन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा लग रही है। दूसरी चीज़, उन्होंने जो दिल आपका तोड़ा, जो उन्होंने भरोसा आपका तोड़ा, इस चीज़ का बहुत पश्चाताप है उनको। बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड आ रही है और बहुत ज़्यादा वो सैड हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई मुझे ऐसी इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए था। मे बी थर्ड पर्सन का यहाँ पर दिल टूट सकता है। मैं आपको ये बता दूँ, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स में देख कर रही हूँ और जनरल रीडिंग कर रही हूँ, पर यहाँ पर कई तरह की थर्ड पर्सन मेरे को दिख रही है। तो थर्ड पर्सन ने जो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई ये मेरी ही बातों को समझेगा, थर्ड पर्सन के का दिल टूट सकता है। और आपके पर्सन थर्ड पर्सन के खिलाफ जाकर, अगेंस्ट जाकर आपके लिए फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे। दूर अगर जा चुके हैं तो वापस आने की एनर्जीज यहाँ पर मेरे को बहुत दिख रही है, क्योंकि देखो मेरे को एक तो सेलिब्रेशन का कार्ड यह नज़र आ रहा है, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड नज़र आ रहा है, तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड नज़र आ रहा है। मैं सारे कार्ड्स आपको शो भी करा देती हूँ हमेशा, इसीलिए है ना, आप भी देख लीजिए। और यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड आ रहा है। मीन्स गाइस, यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है, जो भी उन्होंने अभी तक आपसे झूठ बोले, जो भी उन्होंने अभी तक आपसे दूरियाँ बढ़ाई, उसका उनको भी एक लाइक पनिशमेंट, एक लाइक सैड फीलिंग, एक लाइक गॉड का जस्टिस में भी हो सकता है ये, कि जो उन जो वो अकेले हो गए विदाउट यू, है ना, एंड जो वो चाहते थे जैसे कि मतलब आपके साथ एक रिलेशन को कंटिन्यू। ओके, देखो यहाँ पर बहुत से एनर्जीज में ऐसा भी हो रहा है कि फैमिली भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अब आपके पर्सन मेल हो, आपके पर्सन फीमेल हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पर फैमिली जो है वो अपना लेकर बैठी है, उसकी उसको शायद फीलिंग समझ में नहीं आई आप लोगों की, या फिर कास्ट इशू, या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही। तो अभी आपके पर्सन जो है ना वो हो सकता है कि फैमिली के साथ भी जाके बात करें, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनकी उनकी लाइफ में उनकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बता दूँ, है ना। और बट उनकी लाइफ में आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब आपके पर्सन के एनर्जीज के अकॉर्डिंग दोनों ही चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे। अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, आपके पर्सन ने, मे बी गर्ल हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई मैं बैलेंस बनाऊँ, तो बैलेंसिंग एनर्जीज में मे बी कुछ लोगों की जो फैमिली है, और फैमिली में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बना सकेंगे बैलेंस, ठीक है, और वो अगेंस्ट भी जा सकते। दोनों ही एनर्जीज मेरे को दिख रही है कि थर्ड पर्सन अगर फैमिली है तो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं एंड बैलेंस भी बना सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि फैमिली में किस तरह के, किस टाइप के लोग हैं, कौन है ना, ये एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि बैलेंस बनाएंगे, और आपके साथ जो एक फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है कि भाई इनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि यस डेफिनेटली फ्यूचर में आप साथ हो गए, फ्यूचर की एनर्जीज है आपकी। और उनकी जो एक एनर्जीज आ रही है वो ये भी आ रही है कि आपको लेकर आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो रहे हैं, और ये एनर्जीज मेरे को बार बार दिख रही है, और ये एनर्जीज ज़्यादातर मेरे को उस कार्ड से आ रही है, और वो ये बोल रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो दिल में फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाएं जो उन्होंने अभी तक आपसे छुपाई, और जो प्यार वो आपसे करते हैं वो फीलिंग्स अब वो नहीं छुपा पा रहे, अब वो बस सिर्फ आपको ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। एंड जो भी रीयूनियन आपका होगा इस एनर्जीज में, वो रीयूनियन आपका परमानेंट रीयूनियन ही मेरे को दिखाई दे रहा है। परमानेंट रीयूनियन के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी आपके पर्सन जो है वो आपके मतलब आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं। वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक गुड एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है, उनकी चेंजिंग मतलब आ रही है, उनकी फीलिंग्स में चेंज आ गया है, वो समझदार हो गए हैं, अब वो समझने लगे हैं, बातों को समझ रहे हैं। थर्ड पर्सन के ऊपर उन्होंने फेथ किया, भरोसा किया, वो भरोसा उनका उठ गया, अब उनको आपके साइलेंस एनर्जीज में आपका ख्याल आ रहा है कि एक वो पर्सन था जो मुझे हमेशा टेक केयर करता था,
फीलिंग्स है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स मेरे को दिख रही है आपकी पर्सन की, तो ये एनर्जीज यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रही है। सो आई होप से कलेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है मुझे जरूर बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।